बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीजने लगे हैं जी किचन गार्डन डिसेंट सीड्स के जो बीज है ना, धनिया का ये बीजने लगे हैं। तो धनिया तो आपको पता है माशाल्लाह चटनी के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जो भी आप चीज़ बनाते हैं सालन वगैरह तो खुशबू के लिए उसके ऊपर छिड़कते हैं। ये देखें आप, मैं इसका जो है ना पैकेट खोलते हैं, पैकेट तो इतना महंगा है और इसमें देखना सीड बिल्कुल बहुत कम है। ये डिसेंट सीड वालों का है, बजमानी तो माशाल्लाह हमारे यहाँ रूज पे है। घर की सब्ज़ियों की तो क्या बात है, घर की सब्ज़ियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, मुफीद होती हैं, सेहतमंद भी होती हैं। ये इसमें इतना सा बस बीज है, थोड़ा सा, ये बिल्कुल थोड़ा सा बीज है, इसमें से कितना निकलता है, ये बस इतना सा बीज निकला है इसमें से। तो जो बाहर की सब्ज़ियाँ होती हैं उनमें तो आपको पता है गटर का गंदा पानी लगता है, एहतियात भी नहीं की जाती हैं, तो उनका जायका भी नहीं होता है। ये देसी सब्ज़ियाँ होती हैं, इनका जायका भी बहुत ज़्यादा होता है, ये प्यारी होती हैं। ये क्या है, जब लगाने लगे ये इसको हम पतला पतला लगाएंगे, पहले ज़मीन के ऊपर सारा फेंक देंगे, फेंकने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। बीज कम है इसलिए हमें इसको बहुत ही प्यार से जी महंगाई का दौर है, हुकूमत ने हर चीज़ महंगी करके तो बेड़ा घर कर दिया, इसलिए आप कोशिश करें कि घर में सब्ज़ियाँ लगाएं। तो बाहर की सब्ज़ियाँ जो है ना वो तो अब इंसान के बस में नहीं रहा खरीदना, घर की सब्ज़ियाँ चाहे जितनी भी रेट हो तैयार तो हो जाती है ना, इतनी महंगी सब्ज़ियाँ खरीदने से बंद बच जाता है। ये देख लें, अब हम इसको मिक्स करेंगे, वो भी तरीका आपको बताते हैं। ये हम ले कर आते हैं, अब दिन ब दिन जो है ना हर चीज़ इंसान की पहुँच से दूर होती जा रही है, तो आप कोशिश करें कि अपने घर की सब्ज़ियाँ लीजिए, घर की सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, और जब जी चाहे और जितनी ज़रूरत हो इतनी आप जो है ना उतार सकते हैं, उसी टाइम तोड़ के पका लें। इतनी महंगाई है, आपको डेली 200 की सब्ज़ी है तो फिर जाके गुजारा होता है। महंगाई के दौर में क्या क्या खरीदने का पता है, जब हम इसको मिक्स करें, अच्छी तरह मिक्स करेंगे ज़मीन के अंदर, और मिट्टी सही बीज चला जाए अंदर, ऊपर बीज रह जाते धूप से कम हो जाए। हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, अब हम इसको ऊपर से लगाएंगे पानी, पानी लगाएंगे और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ये हफ्ते के अंदर निकलना शुरू हो जाएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं मूलियाँ कैसे लगाते हैं, वो भी हम आपको अभी